हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो जो कनाडा जो देश है वो विश्व में सबसे बड़ा निकेल का उत्पादन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक ईयर 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहे हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन जो सागर जो झील है वो विश्व में सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो केटोपेक्सी जो ज्वालामुखी पर्वत है जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,593 मीटर, वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विमानों में आपस में आकाश में लड़ाइयों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे डॉग फाइट बोलते हैं। जब दो विमानों के अंदर आपस में आकाश के अंदर लड़ाई होती है तो उसे डॉग फाइट बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान की किस शाखा में वायु परिवहन विषय का अध्ययन किया जाता है? तो एस्ट्रोनॉटिक्स जो शाखा होती है उसमें वायु परिवहन विषय मतलब एरोप्लेन वगैरह का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों वायुसेना का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह धातु जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो हाइड्रोजन कौन सी निकालती है दोस्तों? तो जिंक धातु है वो अम्ल, अम्ल बोले तो एसिड, और क्षार बोले तो बेस के साथ क्रिया करके दोस्तों जिंक हाइड्रोजन निकालती है मतलब H2 निकालती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वल्लभ समानार्थी है, तो प्रिय का जो वल्लभ का जो अर्थ है दोस्तों वो प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था दोस्तों बंगाल का विभाजन। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जीके के क्वेश्चन देख सके दोस्तों, और कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, विचार है तो वो भी कमेंट के माध्यम से टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।